अमेठी में मामूली विवाद में दबंगों ने अधेड़ युवक को कुल्हाड़ी व डंडे से मार कर जानलेवा हमला किया। अधेड़ युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो में भर्ती कराया। जामो थाना क्षेत्र के पूरे बदली चौबे मयास का ये मामला है। अमेठी में थाना क्षेत्र कमरौली अंतर्गत कमरौली से जगदीशपुर मार्ग पर स्थित नेशनल धर्मकांटा व पेट्रोल पंप के पास स्कूटी सवार को मारुति वैन ने टक्कर मार दी। स्कूटी सवार दो लोग घायल हो गए, एक सवार गंभीर रूप से घायल है। जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना कमरौली पुलिस द्वारा घटना की इंक्वायरी की जा रही है। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य, थाना जायस पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अमेठी में आबकारी विभाग द्वारा ग्राम माधोपुर व उमराव सिंह का पुरवा थाना मुंशीगंज व ग्राम हल्लाहा थाना गौरीगंज में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 25 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत 3 मुकदमे दर्ज किए गए तथा करीब 300 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अमेठी से रामेश्वर से अयोध्या तक एकता का संदेश देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राम भक्तों की रामेश्वरम से निकली रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन यात्रा रामगंज बाजार पहुंचने के बाद अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। यह यात्रा अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ समाप्त होगी। उससे पहले यात्रा सोमवार शाम तक प्रतापगढ़ जनपद पहुंची थी, फिर वहां से राम की नगरी अयोध्या के लिए रवाना हुई। 7 राज्य 32 जिले 57 दिवस से होते हुए यह अल्ट्रा मैराथन मंगलवार को उत्तर प्रदेश की अमेठी सीमा में दाखिल होकर अयोध्या के लिए निकली है। धान खरीद को लेकर अमेठी जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम व क्रय एजेंसियों के साथ बैठक की। केंद्रों पर खरीद की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की अमेठी जिलाधिकारी ने की बैठक। अधिक से अधिक नमूने संकलित कर जांच कराने के निर्देश दिए। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। अयोध्या के थाना खंडासा में सामने आई दर्दनाक घटना। पीड़िता ने जन्म से पहले खोया अपना बच्चा। थाना खंडासा गड़ौली गांव की पीड़िता प्रेग्नेंट थी। गांव के दुर्गा शुक्ला ने जमीनी वाद के चलते पीड़िता को मारा और जमीन में खोदे जा रहे गड्ढे में महिला को धक्का दे दिया। पीड़िता ने आज मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। जमीन पर पीड़ित पक्ष को मिला था स्टे। पुलिस के मना करने पर भी कर रहे थे अवैध कब्जा। दबंगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अयोध्या में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना नहीं चल सकेंगे वाहन। 30 नवंबर के बाद से कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी हुए हैं। आरटीओ दल अभियान चलाकर कार्यवाही करेगा। शासनादेश का पालन कराने के लिए आरटीओ कार्यालय ने कमर कस ली है। यह 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज